मैं इस कमरे च ना ममता माँ दी फोटो दे अग्गे पए दीवे विच ना तेल पान आई सी। छिते ही मैं अलका मालकिन ते थोड़ी आवाज सुनी, मैं एकदम घबरा गई, क्योंकि जो मैनू इत्थे वेख लैंदे तां बहुत बवाल हो जाना सी, तां फिर मैं इत्थे लुक गई। अच्छा, फिर हो गई गल, दस मैनू की गल होई? ममता मां ने जैस्मिन के खिलाफ कोई सबूत दिता? फिलहाल तो मेरे कोई सबूत नहीं है, पर उम्मीद करती हूं बहुत छेती सबूत मेरे हाथ विच ते थोड़े सामने होएगा। दिवांश जी, मैनू जान दो ना। आज तो मेरे विवाह दी रस्मां शुरू हो जान गया। पहले एंगेजमेंट। फिर हल्दी, मेहंदी, then finally विवाह। तेरे कोल ज्यादा टाइम नहीं है नयन, आज की रात तो बाद तेरे कोल सिर्फ 72 आवर्स बाकी ने। रोक ले नयन है विवाह, तो कुछ भी कर, बस मैनू कितों भी एक बार सबूत ला दे। मैनू पता है मालिक, मेरे को समा बहुत घट है, इसलिए तुसी मेरे ते तरस खाओ ते फिलहाल मैनू इथों जान दो, क्योंकि जे किसी ने सानू इस हाल च वेख लिया था पता नहीं की सोचेंगे। हस्बैंड के नाल कल्ली कमरे च की कर रही है? जैस्मिन, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? आ तू की कर रही है? ये सवाल तो मैंने तुहाडे कोलो पूछना चाहिए ना देवांश, कि तुसी कल्ले इस कुड़ी दे नाल इस बंद कमरे च की कर रहे सी? जैस्मिन, जिद्दां दा तू सोच रही है उद्दां दा कुछ नहीं है। मैनू कुछ सोचने दी जरूरत ही नहीं है दिवांश, क्योंकि सब कुछ तो साफ साफ नजर आ रहा। जे तू मेरी गल ते यकीन नहीं करना तो ना कर, आई एम नॉट गोइंग टू क्लैरिफाई फर्दर। एंड यस, नयन अजे भी मेरी वाइफ है। इसलिए असीं जो करना चाहिए कर सकते हैं, ते जिद्दां चाहिए अपना टाइम कठिया स्पेंड कर सकते हैं। पर अगले 3 दिन च साडा ब्याह है दिवांश। इदा मतलब 3 दिन तक नयन ही मेरी वाइफ है। की दिवांश जी सच्चे मैनू हुण तक अपनी पत्नी मानदे ने, या फिर वो ये सब सिर्फ जैस्मिन के सामने बोल रहे सी? दिवांश, तुसी की चाहुंदे हो?
कि मैं अपने होने वाले हस्बैंड नूं ब्याह तो पहला किसी होर कुड़ी नाल देख के चुप रहा। तुसी मेरे ब्याह का इम्तिहान ले रहे हो देवांश। ठीक है देवांश, मैं इस गल नूं तां इग्नोर कर दांगी, पर तुहानूं मेरी एक गल तां मननी पएगी कि ब्याह तो बाद तुसी नयन दे नाल बिल्कुल भी गल नहीं करोगे। दिवांश, मैं समझ गई दिवांश कि अजे मेरा तुहाडे ते कोई हक नहीं है, पर व्याह तो बाद नयन नूं दित्ते गए सारे हक मेरे होणगे। व्याह तो बाद दी गल असीं व्याह तो बाद करांगे। फिलहाल तू जा इत्थों। आई हैव टू चेंज माई क्लोथ्स। ठीक है देवांश, हुण तां मैं इत्थों जा रही हां, पर व्याह तो बाद इस कमरे ते ते तुहाडे ते सिर्फ मेरा हक होगा। उदों तक तुसीं जिन्ना मेरे प्यार दा इम्तिहान लैणा है ना, ले लो। इस इंसल्ट का बदला तो मैं लेके रवांगी दिवांश खुराना, तेरी मौत तो हुण मेरे हथों ही होएगी। तेरे नाल नाल मैं इस नयन की भी जिंदगी हुण बर्बाद करके रवांगी। की होया जैस्मिन, दिवांश मिलिया की? क्या होने जैस्मीन, तू फिकर ना कर, बस कुछ दिनों दी गल है, फिर हमेशा ले दिवांश तेरा हो जाएगा, फिर इस नयन नूं असी छेती घरों बाहर कढ़ांगे। देखी आज मैं तेनू एहो जा तैयार करांगी कि दिवांश तेनू देखदा ही रह जाएगा। चल हुण जैस्मीन, तू ना अपना मूड ठीक कर। इस नयन दे चक्कर च ना भुल कि अज तेरी एंगेजमेंट है। चल आजा, आ मेरे नाल आजा। जैस्मिन, जिद्दां दा तू सोच रही है उद्दां दा कुछ नहीं है। एंड यस, नयन हजे भी मेरी वाइफ है, इसलिए असीं जो करना चाहिए कर सकते हैं, ते जिद्दां चाहिए अपना टाइम कठिया स्पेंड कर सकते हैं। इहदा मतलब चार दिन तक नयन ही मेरी वाइफ है। आ वेख जैस्मिन किन्ना सोहना है, अज सारे रिश्तेदारां दे सामने तू खुराना खानदान दी नूह बनन वल अपना पहला कदम वधाएंगी। दिवांश नाल व्याह करन तो बाद तैनू तेरा प्यार मिलेगा, ते मैनू मैनू मेरी जायदाद। ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਗਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈਸਮਿਨ ਤੇ ਗੋਲਡ ਟਿਗਰ। ਜੈਸਮਿਨ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਂਗੀ? ਫੱਟੇ ਮਾਲਕਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? कामचोर बनी है जा, कामचोरी तेरे खून ची है, किथे सी तू? इन्ने काम पे ने घर च करन वाले पोंपी तेनू सारे घर च लभ के आया। रीटा आंटी, हुण जे नैन आई गई है
क्यों ना मैं इहदे काम ही करा ला। नयन तू इदा कर, ये नेल पेंट ना मेरे पैरा ते लगा दे। फंक्शन दली बहुत लेट हो रही है, ऐसे करके छेती कर, छेती नेल पेंट लगा। ए नेल पेंट लगाने तो पहला एक बार भी मैंने पूछे कि मैं केड़े कलर का नेल पेंट लगाना। गवार किसी थां दी, मेरा सारा पेडिक्योर खराब करता। ए मेरे पैर ते आज मेरी इंगेजमेंट है, ते आज ते दिन सब कुछ मेरी पसंद दा होएगा। जिवें दिवांश मेरी पसंद दा है ना, इसे तरह नेल पेंट भी मेरी पसंद दा ही लगेगा। आई समझ? ए ना कोई भी काम चज नाल नहीं कर सकती। पता नहीं दिवांश किस चीज की इन्हू तनखा देंदा है। माफ करना फट्टे मालकिन, मैं हुने लेके आंदी हां। ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਮਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਨਯਨ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਯਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਯੂ ਬੈਟਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਟ।
सच तुहानू हो की गया? पहला तुसी मैनू अपनी पत्नी क्या, फिर तुसी मेरी दित्ती कुर्बानी की कदर भी कर रहे हो। मैं तो हर चीज की कदर करता नयन, पर एक तू ही है जेड़ी अपनी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रही। देवांश, मेरे ना बहस या नयन दी इंसल्ट करने वालों चंगा यही होएगा कि तू जाके फंक्शनली तैयार हो जा। नयन तू ही जा, ते जाके अपना काम कर ले। देवांश, तुसी मेरे सबर का इम्तिहान ले रहे हो या फिर मेरे प्यार का? I have zero interest in all this। मैनू इन गल्लां च कोई इंटरस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इन्ना जानदा कि खुराना खानदान की नूह किसी नाल भी इन्ना घटिया बिहेव नहीं कर सकती। यह गल तू जिन्नी जल्दी समझ जाएंगी ना जैस्मिन, उन्ना ही चंगा होएगा। तू दिवांश नूं प्यार करदी है ना, हुण इस प्यार दा इम्तिहान भी तैनू ही देना पएगा। डॉली तू इदां कर, तू ये सारे फुल ना मंदिर च ला दे। डॉली ये की तरीका है? हुन तेरे हुंदिया मैं सारा काम मैं करूंगा। हो तुसी देखता रहे हो मेरे को किन्ना काम पिया हुआ है। ओ देखो नयन भी आ गई है, तुसी एक काम करो, ऐ काम ना ओदे तो करा लो, मैं जाके पूरे खर्चे ऐ ला के आनी है, ठीक है? ओ डॉली, डॉली मेरी गल तो सुन। नयन वैसे कोई कुछ भी कवे पर मैं तेरी एक गल दी सिफत करदा कि तू इस घर विच सारा काम ना अपने दिलों करती है। नयन पर मैनू एक गल समझ नहीं आ रही, तू इस घर विच वापिस क्यों आई है? जब तेनू पता सी कि राजवीर ने तेनू इत्थे नौकरानी बना के रखना है तो तेनू नूर रानी का दर्जा इत्थे कदी मिलना ही नहीं, फिर तू इस घर दे विच वापिस की करन आई है? मैनू समझ ही नहीं आ रही एहो जी केड़ी गल है जिहड़ी तू सारे घरदियां तो छुपा रही है। लगता है पोंपी मालिक नू शक हो गया कि राजवीर अंकल ने इत्थे मैनू किसी काम दे लई रोकिया। नयन तू बाकी सारे घरदियां नू बेवकूफ बना सकती है पर पोंपी नू नहीं। देख जे कोई एहो जिहा राज है ते तू मेनू दस दे, मैं तेरे नाल वादा करदा मैं वो राज किसे नू नहीं दसूंगा। बाकी फिर अलका जी दा तेनू पता ही है, जे उन्हां ने तेरे कोलों राज बाहर कढ़वाण दी कोशिश कीती ना तां तू इस घर चों बाहर ही जाएंगी।
जे पंपी मालिक ने अलका माल किन्नू कह के मैनू सच्ची घरों कढ़ा दिता तो फिर मैं दिवांश जी की रक्षा किवें करांगी।